अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कोरमदाद है और आज इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 के जो एमसीक्यूज़ हैं दैट हैव बीन रिपीटेड ओवर पास्ट 5 ईयर्स, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नंबर 8 एंड नंबर 1, इन दी एग्रीकल्चरल कम्यून्स। कम्यून्स का मतलब फार्म्स होता है, ठीक है, और ये AJK में 2017 में आया था। दी ऑक्सीडेंटल कंट्रीज लॉन्च्ड अ वॉर्म अप टू चाइना। ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल का मतलब वेस्टर्न, ठीक है, ओरिएंटल होता है, ओरिएंटल का मतलब ईस्टर्न होता है, और ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल का मतलब है वेस्टर्न, और ये AJK मुल्तान और लाहौर में आ चुका है, ठीक है। न्यूमरस ऑफिशियल्स विजिट चाइना टुडे। न्यूमरस का मतलब मैनी, ठीक है, फैसलाबाद में 2017 में आ चुका है। माओ सेड इंस्टेड ऑफ थिंग्स पीपल आर डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब इन्फ्लुएंशियल, फैसला कौन, डिसाइसिव का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल, वो चीज़ जो कि असरअंदाज होती है, ठीक है, और ये रावलपिंडी में 2015 में आया था। सेंटेंस नंबर 5 है, कल्चरल मोटिवेशन फ्रीड चाइना फ्रॉम कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, और ये अहमियत का हामिल है क्योंकि ये 3 दफ़ा आ चुका है, कम्बरसम, ठीक है। तो कम्बरसम का मतलब होता है बर्डनसम, ठीक है, बोझ डालने वाला। इट इन्वॉल्व्स एन अटली डिफरेंट टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब है अप्रोच, ठीक है, इट्स आंसर इज अप्रोच। रीड माओज़ फेमस मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब सेइंग है, ठीक है, मैक्सिम का क्या मतलब है, सेइंग, और ये बहावलपुर, बहावलपुर और AJK में 2014, 16 और 19 में आ चुका है। द चाइनीज पेजेंट डज नॉट फ्ली। फ्ली का मतलब एस्केप, भागना, और ये मुल्तान 2014 और मुल्तान 2017 में आ चुका है। देर आर नो नियॉन साइंस इन चाइना। नियॉन साइंस मीन शाइनिंग साइंस, जैसे हमें बिल बोर्ड वगैरह नजर आते हैं, ठीक है, और ये आ चुका है रावलपिंडी में और फैसलाबाद में 2015 में और 2014 में, ठीक है। दिस द जाइजेंटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया। जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मतलब ह्यूज, ठीक है, और ये लाहौर और AJK में आ चुका है 2016 और 2018 में। द कम्यून्स हेल्प दोज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब डिसेबल्ड होता है, इजी वर्ड है, और ये गुजरांवाला 2015 में आया था। सेंटेंस नंबर 12 हम देखेंगे, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेस स्टॉप्ड द एग्जोडस। एग्जोडस का मतलब माइग्रेशन, मूवमेंट, ठीक है, और ये साहिवाल में और मुल्तान में 2016 और 2019 में आ चुका है, ठीक है बेटा। The Chinese regime has maintained minimum subsistence level. Subsistence, subsistence का मतलब होता है livelihood या फिर the level of existence. और ये गुजरांवाला 2016 में आ चुका है। The Western countries realize the absurdity, absurdity, absurdity का मतलब stupidity, ठीक है, और गुजरांवाला 2017 में आ चुका है। From Western angle, Chinese women lack femininity. फेमिनिटी का मतलब वुमनलीनेस, ठीक है, और ये आ चुका है गुजरांवाला 2018 में। इट कैन स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिवेट, और ये भावलपुर 2018 में आया था। 24 ईयर्स, फॉर 24 ईयर्स चाइना ले फॉगॉटन। फॉगॉटन का मतलब इग्नोर्ड, ठीक है, और ये भी भावलपुर 2018 में आया था। लेसन नंबर 9 है, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कॉर्न इज स्कार्स, स्कार्स, SCARCE, स्कार्स। स्कार्स का मतलब शॉर्ट, ठीक है, कम, और ये AJK और साहिवाल में आ चुका है। अ ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ट्रिमेंडस का मतलब ह्यूज या फिर बिग है, और इसकी अहमियत आप देखें कि ये मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरांवाला, फैसलाबाद और डीजी खान 2015, 17, 18 और 19 में आ चुका है। तो ये जो वर्ड है ट्रिमेंडस, इसको आपने नहीं भूलना, इसका मतलब होता है बिग या फिर ह्यूज, ठीक है। फेमिन हैज बीन प्रॉब्लम सिंस द बिगनिंग ऑफ द टाइम। फेमिन का मतलब स्कार्सिटी ऑफ फूड। 9.5 मिलियन पीपल पेरिश्ड। पेरिश्ड का मतलब है डाइड, ठीक है, आंसर इसका डी है, और ये आप देखें तो अगेन अहम है क्योंकि गुजरांवाला 2014, बहावलपुर फिर गुजरांवाला 2015, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2016, तीन बोर्ड्स में ये आ चुका है, ठीक है। तो इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
वी हैव द पावर टू एबॉलिश वॉर इफ हैव द विल. एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है एंड करना, टू पुट एन एंड टू समथिंग. और ये रावलपिंडी और डीजी खान 2017 और 18 में आया था. इट इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन. पैराडॉक्स का क्या मतलब है? कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है. द पोर्ट्स ऑफ इंडिया कुड नॉट कोप विद. कोप का मतलब मैनेज करना. ठीक है. जोसेफ अवर्टेड द वाइड स्प्रेड डिजास्टर बाय कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड. जोसेफ से मुराद है यूसुफ अलैहिस्सलाम. और अवर्टेड, अवर्टेड का मतलब अवॉइडेड, टू अवॉइड. थाउजेंड्स इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन आसान वर्ड है. ठीक है. मतलब है इसका हंगर, यानी कि भूख से. नेक्स्ट हम देखेंगे लेसन नंबर 10 है जी. इन क्यूटा अबुल रहमान वाज ऑफर्ड रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर. एजे के और बहावलपुर में आ चुका है. द उमैया डायनेस्टी वाज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट. डायनेस्टी का मतलब होता है रूल. अबुल रहमान बेरली एस्केप्ड असैसिनेशन. असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर. ठीक है, कत्ल. और ये अहम है, असैसिनेशन का वर्ड आपने भूलना नहीं, क्योंकि डीजी खान, डीजी खान सरगोधा, गुजरांवाला और एजे के. ठीक है. 16, 17, 19 में आ चुका है. अबुल रहमान वॉज यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व एंड एबिलिटी. एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है. और ये डीजी खान और रावलपिंडी में 2015 और 2016 में आ चुका है. अबुल रहमान हैड शेयर्ड एक्वालाइन फीचर्स. एक्वालाइन ईगल लाइक. ठीक है. और ये रावलपिंडी और सरगोधा में 2017 में आया. द स्टोरी ऑफ हिज फ्ली इज, फ्ली का मतलब एस्केप. ऑलरेडी वर्ड आ चुका है. ठीक है, भागना. अबुल रहमान एडमिनिस्ट्रेटेड द पीपल विद सगेसिटी. सगेसिटी, सगेसिटी का मतलब विजडम, अकल, अकलो दानिश. ठीक है. अबुल रहमान इम्पोर्टेड एग्जॉटिक प्लांट्स. एग्जॉटिक का मतलब फॉरेन. ठीक है, बाहर के ममालिक से ताल्लुक रखने वाले. एग्जॉटिक बड़ा अच्छा वर्ड है. ठीक है. और ये मुल्तान और डीजी खान 2014 और 15 में आ चुका है. अलहकम्स एजेंट रैनसैक्ड. रैनसैक्ड का मतलब सर्च, तलाश किया उन्होंने. और डीजी खान 17 में आया था. द इंडस्ट्री हैड फ्लरिश्ड कंसिस्टेंटली. फ्लरिश्ड का मतलब प्रोग्रेस्ड. ठीक है. द उमैया डायनेस्टी इन डमस्कस वाज ओवरथ्रोन. डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब रूल है. ऑलरेडी आ चुका है. द हाउस ऑफ द फॉरनर्स वर रैनसैक्ड. सर्च ऑलरेडी आ चुका है. अलहाकम वाज जेनरस टू द स्कॉलर्स. जेनरस का मतलब चैरिटेबल. अबुल रहमान ब्यूटिफाइड द सिटीज ऑफ हिज डोमेन. डोमेन का मतलब बादशाहत, किंगडम. द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप इज ड्रामेटिक. एस्केप का मतलब फ्ली, भागना, वही जो कि ऊपर 2 दफा आ चुका है. ठीक है. तो दैट इज ऑल फॉर लेसन नंबर, सॉरी, 8, 9 एंड 10. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.